हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुनाल गेमर और मेरा नाम है कुनाल। तो आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप लोग PUBG मोबाइल खेलते हैं तो आपको PUBG मोबाइल के कुछ रहस्यों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा PUBG मोबाइल के। तो गाइस, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। और आपने अगर हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोज़ बनाने के लिए आप सभी लोगों के लिए। तो गाइज, इसकी फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिसका नाम है प्लेयरअननोन्स बैटलग्राउंड। तो गाइज, ये बहुत ज़्यादा अच्छी गेम है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। आज तक तो सारे ही लोग लगभग इस गेम को खेलते हैं अपने मोबाइल में या फिर अपने पीसी में। तो गाइज, इसके जो डेवलपर है ब्रैंडन ग्रीनी, तो गाइज उन्होंने उनको ये आइडिया कैसे आया? तो गाइज, उनको ये आइडिया आया था एक मूवी की वजह से, जो कि एक जापानीज मूवी थी जो रिलीज़ हुई थी सन 2000 में, जिसका नाम था बैटल रॉयल। अब इस गेम में दोस्तों क्या होता था कि इस गेम में प्लेयर्स को छोड़ दिया जाता था, जैसे कि लोगों को छोड़ दिया गया था, उन्होंने गन वन उठानी होती थी और जो लास्ट में सब सर्वाइव करता था वो जीत जाता था। तो इसी का आइडिया उन्होंने कॉपी किया, मतलब कॉपी नहीं, बेसिकली उन्होंने इसको एक गेम में उतार दिया। तो गाइस, उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी इसी लिए बन पाई है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ब्लू जोन। अब गाइस, आप लोग ब्लू जोन तो देखते ही होंगे, जो कि यार आप लोगों को आप उससे बच के अंदर उसके आ जाना होता है, जिसे हम सर्कल भी कहते हैं। तो गाइस, क्या आपको पता है ये सर्कल नहीं, पहले इसका आइडिया था इसको स्क्वायर बनाने का। जी हाँ दोस्तों, इसको स्क्वायर बनाने का। तो गाइस, स्क्वायर उनको लगा कि उतनी अच्छी नहीं बन पाएगा और उसकी कोडिंग करने में भी उतना आसान नहीं था और स्क्वायर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाता, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे सर्कल हम लोग बना देते हैं। तो उन्होंने इसका शेप सर्कल रखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लू जोन क्यों आया, तो यहाँ पे एक बात थी, यहाँ पे सोवियत संघ, जिसके बारे में आप जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सोवियत संघ तो जो कि दोस्तों आइलैंड पर जो भी आता था घुसपैठी उनके आइलैंड पे आते थे रशिया में, तो उन्हें वो बिजली के करंट देके मार देते थे। तो आपको भी कुछ ऐसा सा ही फील होता है, अगर आप ब्लू जोन के बाहर होते हैं तो आपको ब्लू ब्लू सा होते रहता है और आपकी हेल्थ कटते रहती है, मतलब आपको बिजली का करंट लग रहा होता है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब थर्ड चीज़ की बात करें तो विनर विनर चिकन डिनर। अब दोस्तों ये लाइन पबजी की नहीं है, ये लाइन बहुत ज़्यादा पुरानी है और अगर आप कोई गेम खेलते होंगे तो इधर आप जीत जाते होंगे तो उधर लिख के आता होगा विनर विनर चिकन डिनर। अब मुझे नहीं पता कौन सी गेम में आता था, पर ये फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि पबजी मोबाइल में ये डाला गया कि अगर आप जीत जाते तो आपको विनर विनर चिकन डिनर, ये एक राइमिंग है जो कि आपको डाल दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे पहले तो खुशी जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब इसको आप यूज़ कर, मतलब इस ये लाइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है PUBG मोबाइल के लिए। तो गाइज, अगले पॉइंट के बाद बात करें तो अर्निंग एंड रेवेन्यू। अब गाइज, ये गेम बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, पॉपुलर हो चुका है। आप लोग भी इसके बारे में जानते होंगे, लगभग सब लोग ही जानते हैं इस गेम के बारे में, सब लोग रोज़ इसे प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कंप्यूटर के लिए गाइज इसे ख़रीदना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर वाली अगर आप खेलेंगे तो कंप्यूटर वाली साइज़ में भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और उसे आप स्टीम से ख़रीद सकते हैं और उसे आपको पता नहीं कितने रुपए में ख़रीदना होता है, पर आप ख़रीद के उसे प्ले कर सकते हैं। उसके थोड़ा सा अलग ही उसमें वो ग्राफिक्स होते हैं या फिर थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो कि आपको मोबाइल वाले प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकती, क्योंकि मोबाइल में कंप्रेस्ड आती है। तो गाइज, इसी से वो लोग अर्निंग करते हैं। और अगर आप सोचते होंगे कि ये लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं डालते इन गेम में, तो आपको PUBG मोबाइल में जो वो होता है उसमें आप ये अर्निंग कैसे करते होंगे, क्योंकि मोबाइल के लिए प्ले स्टोर पर बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है। तो गाइज़, आप लोग अभी आया सीज़न 4 कुछ दिन पहले, तो आपने ख़रीदा होगा एलाइट पास, बहुत लोगों ने एलाइट पास ख़रीदा होगा या फिर वह लोग यूसी खरीदते हैं और उससे कपड़े या फिर पैराशूट ले लेते हैं। तो गाइज़, उससे भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो गाइज़, अगर सोच सकते हैं आप, इतने सारे मतलब लगभग 10 मिलियन लोग रोज़ खेलते हैं, तो उनमें से करीब 2 या 3 मिलियन ने भी अगर इनके ख़रीद लिए, बहुत सारे पैसे ये लोग कमा लेते हैं। अब गाइज, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो पबजी के रिकॉर्ड्स। तो गाइज, जैसे कि गेम ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो इसके रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा ही बड़े होंगे। तो गाइज, इस गेम की ये रिकॉर्ड है कि दिन मतलब रोज़ाना 10 मिलियन लोग इसे खेलते हैं। अब गाइज, ये बहुत ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड है, क्योंकि अब आगे और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि 10 मिलियन खेलते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये गेम लॉन्च हुआ था 2017 में अप्रॉक्स मार्च के करीब, और यहाँ पे 4 महीने में 100 मिलियन प्लेयर्स आ गए थे। अब गाइस, ये पीसी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पीसी प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले लॉन्च हुआ था।
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्तों आंकड़ा है ये, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब इतने आ गए हैं, और इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि बेस्ट मल्टीप्लेयर अवार्ड मिला है, पीसी गेम ऑफ द ईयर मिला है, एक्शन गेम ऑफ द ईयर इत्यादि बहुत सारे अवार्ड दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे अवार्ड मिले हुए हैं। तो यहाँ पर अब बात करें तो यार इसमें तीन इसकी अर्निंग कितनी हुई थी, मैंने आपको बताया ये अर्न कैसे करता है, तो यहाँ इसको बता देता हूँ, गेम लॉन्च होने के दोस्तों बस 3 दिन बाद इसने $11 मिलियन कमा लिए। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं $11 मिलियन कितने हो जाते हैं, हमें अप्रॉक्स बहुत सारे लाख हो जाते हैं दोस्तों। अब 3 दिन में लॉन्च में 3 दिन में इसने कमा लिए लॉन्च के अगले 3 दिन में, तो गाइस अभी तक इसकी अर्निंग क्या हो रही होगी आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ये गेम यहाँ पर कमा लेता है। अब 5th की बात करें तो 6th की पॉइंट की बात करें, सर 6th की बात करें तो मैप है। अब इस गेम को खेलने के दौरान आपको मैप में मैप मिल जाता है, बहुत सारे मैप मिल जाते हैं। सबसे पहला मैप था जो ब्रेंडन ग्रीनी ने डिज़ाइन किया था, वो था इरेंगल मैप। तो गाइस अभी तो इसमें बहुत सारे मैप आ चुके हैं, आपका मीरामार आ गया, सैनोक आ गया, और एक नया मैप भी आने वाला है इसमें जो कि बताया जा रहा है। तो गाइस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है ये अभी तक। अब 7th की बात करें तो PUBG का एडवर्टाइजमेंट, तो गाइस PUBG ने अपना एडवर्टाइजमेंट में कोई भी पैसा खर्च नहीं किया था पहले तक, पर अभी हम लोग को PUBG मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको टेलीविज़न में PUBG मोबाइल के 1-2 एड्स कभी कभी दिखाई दे पड़ते हैं। तो गाइस PUBG मोबाइल ने शुरुआत में अपने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। अब गाइस ये पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था गेम में, और कई गेमों ने भी इसका कॉन्सेप्ट कॉपी किया है। लाइक आप लोग फ्री फायर देख सकते हैं, फ्री फायर खेल सकते हैं, या फिर आप फोर्टनाइट भी देख सकते हैं, उन्होंने भी इसका कॉन्सेप्ट ही कॉपी किया है। अब गेम प्ले की बात करें, 8th पॉइंट हमारा गेम प्ले है पबजी का गेम प्ले। अब गाइस पबजी का गेम प्ले आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा अगर आपके पास हाई एंड पीसी या फिर फ़ोन है। अगर आप फ़ोन वाली पबजी मोबाइल भी खेल लेते हैं तो गाइस उसका अगर आप हाई पे खेलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आप पीसी वाली खेलते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, बहुत अच्छे पीसी स्पेक्स है, और आप एक्सट्रीम में उसके सब कुछ खेलते हैं, तो आपको 3D सिनेमैटिक अवार्ड मतलब 3D सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो गाइस चूँकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतने अच्छे गेम में आपको 3D सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब तो गाइस यही थे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके PUBG के क्या क्या अमेजिंग फैक्ट्स हैं।